हाल ही में कनाडा में एक बार फिर खालिस्तानियों ने ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला किया। इस घटना का एक वीडियो हिंदू फोरम कनाडा ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है, जिसमें खालिस्तानी पीले झंडे लिए मंदिर परिसर में हंगामा करते नजर आ रहे हैं। कुछ खालिस्तानी श्रद्धालुओं पर डंडे से हमला करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने इस हमले की निंदा करते हुए लिखा कि खालिस्तानियों ने अपने चरमपंथ का स्तर बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसा कितनी गहरी और निर्लज्ज हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू कनाडाई समुदाय को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना होगा और नेताओं को जवाबदेह ठहराना होगा। तो वहीं कनाडा के पीएम का इस पूरी घटना को लेकर रुख साफ होता नहीं दिखाई दे रहा है। जस्टिन ट्रूडो मात्र इस घटना के बाद समय से पहुंचने के लिए पुलिस का धन्यवाद देते दिखाई दिए। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब खालिस्तानियों ने कनाडा में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया है। जुलाई में अल्बर्टा में एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी और उस पर हिंदू विरोधी नारे लिखे गए थे। पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में कई हिंदू मंदिरों को इसी तरह के हमलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां अभी तक इन घटनाओं के पीछे के दोषियों की पहचान नहीं कर पाई है। तो हिंदुओं पर हुए इस हमले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।